हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद फिर से मैं आ गई हूँ। बहुत काम था, बिजी थी, इसलिए ब्लॉग डालने में बहुत लेट हो गया। तो कोई बात नहीं, तो मैं आप लोगों को मैं आज का ब्लॉग दिखाती हूँ। मैं जब मायके गई थी, ये उसी टाइम का ब्लॉग है। ये आज हम कुक करेंगे क्रैब। ये एकदम देसी क्रैब है। मेरे हस्बैंड बाज़ार से लेकर आए हैं। मम्मी पापा घर पर नहीं है, सिर्फ मेरी नानी है घर पर और मेरी बहन है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ कुछ दिनों के लिए। तो चलिए आज क्रैब बनाते हैं। अरे देखिए क्या हुआ है, घर पे मम्मी पापा नहीं है और ये देखिए बिल्ली ने अंदर घर में ही बच्चा दे दिया है। तो इन छोटे छोटे बच्चों को मैं अभी घर जो स्टोर रूम है घर का, उसमें इनको शिफ्ट करेंगे। काफ़ी क्यूट और छोटे छोटे बच्चे हैं। उसकी मम्मी डर गई है, बच्चों को हमने घर से निकाला है। लेकिन घर में रखना काफी सेफ नहीं है, इसलिए इसको स्टोर रूम में इनको रखा है। काफी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी आंखें भी नहीं अभी तक खुली है। काफी क्यूट होते हैं ये बच्चे। ঠিক আছে ও চলে যাও ঠাকুমা, তুমি চলে আসো চলে আসো। এর নিচে তো ওর ফাঁকা, চলে আসো চলে আসো, দেখি কিছু ভাবে আর্ট করানো যায়। তো চলো পেলে ক্র্যাব কো কাট লেতে। মেরি নানি কাট রই হ্যাঁ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है इन क्रैब से, मैंने कभी काटा भी नहीं है। तो नानी काटेगी, मैं कुकिंग करूँगी। सोंग काफी डरा हुआ है, ये पकड़ने में काफी डर रहा है। लेकिन मैंने उसको नहीं दिखाया कि मैं भी बहुत डरती, वरना वो देखता है कि मम्मी डरती है तो उसको भी डर लगने लगता है। कैसे क्रैब है, पकड़ने से ये काट देते हैं एकदम। अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन खाते वक्त मुझे इतना टेस्टी लगता है ये, लेकिन काटना एकदम नहीं आता, मुझे बहुत डर लगता है। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी कुकिंग एक्सपर्ट है, मेरे से ज़्यादा उनको सब कुछ के बारे में पता है। उनको क्रैब भी काटना आता है, देखिए। तो अभी कुकिंग शुरू कर दिया है मैंने। तो पहले मैं बनाऊंगी करेला और आलू की सब्ज़ी, उसमें छोटे छोटे फिश डालूंगी। और ये रहा क्रैब। छोटी मछली की सब्ज़ी अभी बनने ही वाली है, अभी बन जाएगी।
इसके बाद एक साइड में चावल बन रहा है, एक साइड में मैंने सोचा एक और चीज़ बनाया जाए, ये है शापला फ्लावर, मतलब लिली, वाटर लिली का जो फ्लावर है उससे मैं पकौड़े बनाऊंगी। काफ़ी टेस्टी होता है ये पकौड़ा। काफ़ी लेट हो गया है कुकिंग करते करते, अभी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। एक तरफ यहाँ पर दाल बन रही है, बेटे के लिए हमेशा मैं दाल बनाती हूँ और दाल के साथ पकौड़ा बहुत अच्छा लगेगा। और ये रहा छोटी फिश की सब्ज़ी, अब बनाएंगे क्रैब। मैं काफ़ी सिंपल वे में बनाऊंगी। यहाँ पर है साबुत जीरा, पहले तड़के में डालेंगे, फिर इसमें प्याज लहसुन कटी हुई डालकर, मसाला डालकर बस थोड़ा ड्राई ड्राई बनाऊंगी क्रैब। आज कुछ ज़्यादा कड़ी नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और कड़ी अच्छा भी नहीं लगेगा, इसलिए इसको थोड़ा मसालेदार ड्राई ड्राई बनाऊंगी। मैं थोड़ा सा क्रैब को तेल में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद सारे मसाले डालूँगी इसमें। हाँ, इसमें प्याज लहसुन अदरक और टमाटर मैंने काट कर ही डाल दिए। और मैंने डाला है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक तो स्वाद अनुसार। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगे रेसिपीज़ और मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्रैब के अंदर से पानी छोड़ रहा है, इसी में ये पकेगा। एकदम पानी मैंने ऐड नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा सा मीडियम हीट में ही इसको ढक ढक के बना रही हूँ। लास्ट में डालेंगे धनिया पत्ता, कटी हुई धनिया पत्ता। तो इसी क्रैप के साथ मैं अपना ब्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। दोस्तों, मैं फिर मिलूँगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, और इस बार लेट नहीं करूँगी, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टाटा एंड गुड बाय।